अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी टाइम जो हो रहा है ना, तकरीबन रात के हो रहे हैं 7:15। तो अभी अभी राइड करके आए थे, तो एक ब्लॉग एडिट कर दिया है मैंने, अभी वो रेंडर हो रहा है। तो अभी मुझे सर्दी वगैरह लग रही है, तो क्योंकि मैंने जैकेट नहीं पहनी हुई, तो अभी चलते हैं नीचे और जैकेट वगैरह भी पहनते हैं और आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। जैकेट में ही पहन लेते हैं। भाई के ये वाले पार्ट्स भी मैंने यहीं पे रख दिए थे ताकि ख़राब ना हो, कहीं टूट ना जाए। तो ये भी बाइक को आप फिट कर देंगे, जब दोबारा बैटरी का भी डिस्चार्ज होगी तो दोबारा निकाल के चार्ज कर लिया करेंगे। और आज मोटो व्लॉग किया तो हेलमेट तो मेरा ठीक है, लेकिन मुझे ये जो माइक का सेटअप बना है इसकी नहीं समझ आई। या तो मैंने आज गलत माइक नहीं सही माइक ही इस्तेमाल किया है मेरे ख्याल से। मैं देख लूँ एक मरतबा, माइक तो मैंने सही इस्तेमाल किया लेकिन यहाँ से नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी बाहर की, तो पता नहीं क्या इशू है। बाइक की चेन वगैरह को जंग भी लगा हुआ था, तो अभी ये है ना WE40 है, तो इसे थोड़ा सा शेक कर लें अच्छे तरीके से और चेन के ऊपर लगा देते हैं ताकि उसकी रस्ट जो है वो कम हो। तो फिर कभी टाइम लगेगा तो फिर मैकेनिक को जाके कहेंगे, आज मैकेनिक के पास गया था तो मैं भूल गया कि यार इसे RB लगाना, तो फिर कभी लगवा लेंगे। अभी इसे फिलहाल अभी चेन को इसी के साथ ही थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर देते हैं। चले जी, चेन एक मरतबा ल्यूब हो चुकी है। चले जी गए, अभी चलते हैं जरा बाहर घूमने पीने के लिए। वैसे तो आपको पता ही हमारा प्लान होता है रोज चाय पीने का, तो आज पीते हैं चाय, तो देखते हैं मौसम आता है। तो फिर मैं एक प्रैंक जो है वो प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं क्या बोलता है। प्रैंक ये करेंगे कि हम मुदम्मल को भी आने देते हैं, तो उसे कॉल करेंगे कि बाहर आ, हम तेरे घर के बाहर खड़े हैं, लेकिन हम खड़े होंगे साइड पे। वो बाहर आएगा तो उसे कहेंगे चल के इस तरफ आ हमारे घर, जहाँ हम अब खड़े हैं, तो हम पीछे खड़े होंगे, वो पीछे से देखेंगे कि उसकी हरकत क्या है। ठीक है ना, चलो अभी मुदम्मल को आने देते हैं, फिर उसके साथ एक छोटा सा प्रैंक करते हैं। मुदम्मल भी आ गया, मुदम्मल का बासुन हाल के साथ अभी हमने ना एक प्रैंक जो है प्लान किया है, तो वो करना है, छोटा सा प्रैंक है। अभी उसे मोशन कॉल करेगा, अभी हमने जाना है वहाँ पे, तो उसकी गली का ना पीछे जाके छुप जाना हमने। तो अभी हमें बाइक जहाँ पे लगा लिया है, मोशन करेगा हाथ को कॉल, तो उसे बुलाएगा बाहर, हमने बोलना नहीं है, तो चुप करके ना इधर दीवार के साथ लग जाना है। तो हाथ को बुलाएंगे बाहर, जब बाहर आएगा फिर हम बुलाएंगे वहाँ पे अपने घर की तरफ, तो वो चल के वहाँ उस तरफ जाएगा, वहाँ पे जाके देखेगा कोई भी नहीं, तो हम कहेंगे हम तो वहीं पे खड़े हैं, तो फिर 2-3 मिनट ऐसा करके फिर जाके छापा मारेंगे। ठीक है ना, चलो अभी मोशन कॉल कर रहा हूँ। हमें इधर ही खड़े रहना है। हाँ इधर ही। अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सर कहाँ थे? भाई साहब कहाँ आ रहे हो? सर आप एक सूज आ गया ना बाहर, चेंज किया जा कीला क्या ना उसी होने से मुझे आया कहाँ? मैं बाहर खड़ा हूँ, असी बाहर खड़े हैं। आया मैं तुम्हारा। चलो ठीक है, अभी देखते हैं आहिर बाहर निकला कि नहीं निकला। तो वो सामने घर है इसका, तो देखते हैं क्या करता है वो। बाहर निकला है, बाहर निकले दीवार के नाल हो, दीवार के नाल हो, दीवार के नाल हो, अगे आ गया। उन्हें बुला इधर, उन्होंने कहा इधर आया अली की दुकान। क्या उसने इन्हें लाना है? यार पीछे मुड़ के देख लिया, पीछे मुड़ के देख लिया, गलत जगह खड़े थे। चलो चलो बैठो बैठो, चलेंगे फिर एक बात। हमारी चाय भी आ गई है, तो ये पता नहीं कौन बंदा है, पता नहीं कहाँ से आ गया है, चाय के साथ बोतल पीने वाला। वैसे इसने चाय तो नहीं पीनी, चलो बाकी उठा लो कप है। चेस करनी है। बिस्मिल्लाह। तू नहीं करनी। हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਬੋਤਲ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ? अच्छी तरह से खपाना था हमने। मैं सोच रहा हूँ अपनी बाइक की ना बैटरी जो है डिटैच कर दूँ, ताकि मुझे लग रहा है कि दो तीन दिन तक इंशाल्लाह बाइक, वैसे भी मैं दो तीन दिन बाद निकालता हूँ, तो इसकी बैटरी जो है डिटैच कर देते हैं, ताकि एक मिनट कितने की सीट नहीं उतरे, ये डिस्चार्ज ना हो, तो जब कभी चलानी हो तो बैटरी लगा के चलाए करेंगे, तो इस तरह डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी। तीन दिन के लिए बाइक को ये मेन टर्मिनल है ना, यही मैं उतार देता हूँ, देखी जाएगी। होगी ये डिस्चार्ज, बैटरी डिस्चार्ज कर डिटैच हो गई है। अभी बाइक के टूल्स वगैरह भी वहीं पे पड़े हैं, तो मैंने कहा था एक भी मरतबा बाइक को अच्छी तरह से चेक करवा के तो बंद करके खड़ी कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है, अभी एक बात तो मैं बताना भूल ही गया आपको, जो मैं सोच रहा था कि ओए फिर अड़ गई, फंस गई, कितने फंस गई। अभी जो बात मैं सोच रहा था ना, तो वो ये सोच रहा था यहाँ इसी किसी वायर के साथ ना एक बटन लग जाए, तो बटन कोई इधर चला जाए या फिर इधर आ जाए, तो बटन बंदा ऑफ कर दे जाके बैटरी डिटैच हो जाए, जब कभी चलानी हो तो बंदा बटन ऑन कर दे, तो ये वाला काम ना चला करवा लेंगे, ये वाला काम करवाना लाजमी है, ये करवाते हैं काम, ये आइडिया अच्छा है। बटन वाला काम सिर्फ मैं इसी वजह से नहीं करवा रहा, क्योंकि मुझे चाहिए एक अच्छी वायर, पहले वायर लगाई थी तो वो आग लगने लगी थी, तो वो उस तरह की वायर नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छी क्वालिटी की वायर चाहिए, जिसे आग लगने का खतरा ना हो, गर्म हो गए वो पिघले ना, तो वो वाली वायर ढूंढेंगे, वो वायर ढूंढ के उसके साथ एक छोटा सा बटन लगाएंगे और मज़े उठाएंगे, तो बैटरी की बैटरी भी, बाइक की बैटरी भी बची रहेगी, और धक्के लगाने वाली जो है अजाब उससे भी हम इंशाल्लाह ताला बचे रहेंगे। आज का व्लॉग भी मुझे उम्मीद है आपको प्रैंक वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि अल्लाह हाफिज़।